A very good morning to all of you. Students, while coming to class today, I read a quotation which I want to share with all of you. And that quotation is, I am not here to be average, I am here to be awesome. Our students, हम सभी इस quotation से कहीं ना कहीं agree करेंगे ना, because we all want कि हम सिर्फ एक average person बन के ना रहें, बल्कि हम क्या बन जाएं, हम एक awesome person बन जाएं. और awesome बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, हमें उसमें हमारा 100% देना होगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हम इस कोटेशन को आज से ही अप्लाई करते हैं, अपनी क्लास से अप्लाई करते हैं, और अपनी क्लास में अपना 100% देते हुए, अपनी एनर्जी मोड कौन करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी जो थी ऑन सेक्शन 54, वो आप सबने अच्छे से देख ली होगी, समझ ली होगी, अपने डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे. स्टूडेंट्स, इन केस आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रीवियस क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 54B. हमने इससे पहले कौन सा टॉपिक किया था? सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है? आज हम कर रहे हैं हमारा सेक्शन 54B, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 54B. स्टूडेंट, जैसा कि हम हमारी हर क्लास में करते हैं, अगर आपको नोट्स साथ साथ राइट डाउन करने हैं, आप साथ साथ कर लीजिए, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? तो चलो अब टॉपिक स्टार्ट करें. स्टूडेंट, देखो हमारा ये टॉपिक क्या कह रहा है. सेक्शन 54B क्या कहता है कि मान लो हमारे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है? और वो एग्रीकल्चर लैंड कैसी होगी? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड. ये अर्बन क्यों है स्टूडेंट्स, ये सब अभी अच्छे से समझेंगे. एक बार इस टॉपिक का जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ. हमने क्या किया, इस एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर किया, ठीक है? हमने एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर किया, उससे हमें कैपिटल गेन अराइज हुआ. तो उस कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन लेने के लिए अंडर सेक्शन 54 अंडर सेक्शन 54 बी आप क्या करोगे, ये इस टॉपिक से हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? देखो हमें क्या करना है, हमें इस कैपिटल गेन से एक और हमारी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी है, ठीक है? और वो एग्रीकल्चर लैंड कैसी हो, चाहे वो रूरल हो और चाहे वो अर्बन हो. स्टूडेंट, ये जस्ट ओवरव्यू है इस टॉपिक का. अभी मैं आपको अच्छे से सारी टर्म्स का, मतलब कि यहाँ पे अर्बन क्यों है, यहाँ रूरल अर्बन क्यों है, कितने टाइम लिमिट में करना है, सब अच्छे से समझेंगे, ठीक है? ये जस्ट ओवरव्यू है इस सेक्शन 54B का, ठीक है? तो इट मींस हम सेक्शन 54B में क्या पढ़ रहे हैं, एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, एंड यूज फॉर अनदर एग्रीकल्चरल लैंड. समझ आ गया स्टूडेंट? तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करें, ओवरव्यू मिल गया आपको, चलो अब स्टार्ट करते हैं. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो मैंने टर्म यूज की थी, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर जो कैपिटल गेन आपको मिलेगा, आप उसकी एग्जम्पशन कैसे लोगे, ठीक है? अब बात आती है, हमने जस्ट अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन वर्ड यूज क्यों किया, रूरल क्यों नहीं किया? लैंड तो दोनों होती है, एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन भी और रूरल भी. तो देखो हमने क्यों किया, हमारे पास सेक्शन 214 में, मींस सब सेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल असेट की डेफिनेशन दी हुई है. और कैपिटल असेट की डेफिनेशन में क्लियर क्या लिखा हुआ है, दैट कैपिटल असेट डज नॉट इंक्लूड व्हाट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. यानी अगर हमारे पास एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल को मैं ऐसे ही लिख रही हूं, ठीक है, हमारे पास रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, तो क्या ये कैपिटल असेट है? बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये कैपिटल असेट है एज पर सेक्शन सबसेक्शन 14 और सेक्शन 2? ये कैपिटल असेट नहीं होती, ठीक है? अब जो लैंड एक कैपिटल असेट ही नहीं है, क्या उसकी ट्रांसफर पर
उसकी ट्रांसफर पर आपको कैपिटल गेन अराइज होगा? नहीं होगा। कैपिटल गेन किस पे अराइज होता है? जो कैपिटल असेट होती है, ठीक है। अब अगर हमारी लैंड, हमारी जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, इट इज नॉट अ कैपिटल असेट, तो उस पे क्या आपको कैपिटल गेन मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब आपको कैपिटल गेन ही अराइज नहीं हो रहा, तो क्या वो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल है? वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी कैपिटल असेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन का पॉइंट तो अराइज ही नहीं होता। समझ आ गया कि हमने जो सबसे पहले बात की थी कि अगर आपके पास एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको आपने ट्रांसफर किया, समझ आया कि अर्बन वर्ड क्यों यूज किया था? क्लियर? चलो ठीक है, अब आगे देखो स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ आ गया ना कि हमारे पास असेट कैसी होनी चाहिए। असेट होनी चाहिए एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। और स्टूडेंट्स इसमें एक साथ में और एक बात है कि वो जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है ना, वो इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स या फिर HUF उसको यूज कर रहे हो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस फॉर एटलीस्ट 2 years immediately preceding the date of transfer. Date of transfer को students मैंने DOT लिख दिया, it means date of transfer, ठीक है, it means जिस दिन आपने अपनी urban agricultural land को transfer किया, उससे at least 2 साल पहले individual या फिर उसके parents या फिर एक HUF उस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को यूज कर रही हो, और कौन से पर्पस के लिए? फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। इट मींस ये नहीं है कि आपके पास एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड थी, आपने उस पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, उस लैंड की ट्रांसफर पर कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन ले रहे हो? नहीं। कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन कब मिलेगी? अगर आप उस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को यूज कर रहे हो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस फॉर एटलीस्ट 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू डेट ऑफ ट्रांसफर। समझ आ गया स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट से ना हमारा एक और पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बात करी कि हमारी वो जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कौन यूज कर रहा हो? इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स या फिर HUF। तो यहां से क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि सेक्शन 54B कौन से असेसी पे लगता है? वो लगता है इंडिविजुअल पर और HUF पर, ठीक है। तो इट मीन्स अगर एक इंडिविजुअल के पास एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी या फिर एक HUF के पास एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, तो अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं तभी सेक्शन 54B की एग्जाम्पशन अवेल होती है। क्लियर है पॉइंट आपको? असेसी कौन कौन होना चाहिए? या तो इंडिविजुअल या फिर HUF, ठीक है। यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल के पेरेंट्स भी, बट असेसी कौन होगा? इंडिविजुअल या फिर HUF। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर है पॉइंट? देखो स्टूडेंट, अब हमने 2 पॉइंट्स कर लिए, हमारा असेसी कौन होना चाहिए और हमारी असेट कौन सी होनी चाहिए। नाउ आवर थर्ड पॉइंट कम्स, हमने बात की असेट की, बट अब पॉइंट आता है कि उस असेट की नेचर कैसी होनी चाहिए, नेचर ऑफ असेट। देखो स्टूडेंट, अंडर कैपिटल गेन चैप्टर हमारे पास कैपिटल असेट कितने टाइप की होती है? हमारे पास 2 टाइप की होती है इनकम टैक्स में, ठीक है। एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट यानी जो असेट हमारी शॉर्ट टर्म के लिए हो, और इन द केस ऑफ लैंड बिल्डिंग हमारी कौन कितना टाइम हम देखते हैं उसके लिए। इट मीन शॉर्ट टर्म के लिए क्या देखेंगे? अगर कोई आपके पास असेट 2 years और लेस देन 2 years के लिए, ठीक है, या तो 2 साल से कम या फिर 2 साल तक भी अगर आपके पास आपने वो होल्ड करी है ना, तो आपकी क्या हो जाएगी? वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कौन सी होती है? जो आपने होल्ड करी हो मोर देन 2 years। इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें हम, ठीक है, इन केस ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी। चलो समझ आ गया
अब हमने देखो स्टूडेंट, जब हमने सेक्शन 54 कवर किया था, जो किस पर था, हमने उसमें क्या किया था, ट्रांसफर की थी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और उसके बदले में क्या ली थी, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, हमने क्या नाम दिया था कि घर के बदले घर लिया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट वहां हमने कौन सी हमारी नेचर होनी चाहिए थी, दैट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ठीक है। लेकिन सेक्शन 54 बी क्या कहता है कि चाहे आपकी एग्रीकल्चरल लैंड शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आप दोनों के लिए ही सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन को अवेल कर सकते हो। इट मींस अंडर सेक्शन 54 बी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो आपकी कैपिटल असेट होनी चाहिए, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म वेदर इट इज लॉन्ग टर्म वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। चलो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हमारा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने बात की कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड थी हमारे पास, हमने उसका ट्रांसफर किया, कैपिटल गेन आएगा, उस कैपिटल गेन से क्या परचेज करें, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर हम क्या परचेज करें, कहाँ पर हमारे इस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करें, क्या एक्वायर करें कि हमें सेक्शन 54 बी की एग्जाम्पशन मिले। सो इट्स आपने सेक्शन 54 में क्या किया, घर के बदले घर लिया ना, सेक्शन 54 बी में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आपको चलो रिमूव करते हैं, देखते हैं क्या करना है। हमने यहाँ पर एक एग्रीकल्चरल लैंड ही परचेज करनी है, यानी एग्रीकल्चरल लैंड के बदले एग्रीकल्चरल लैंड ली, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या फर्क है, वहां आपने क्या पॉइंट किया था कि वो अर्बन होनी चाहिए क्योंकि रूरल तो हमारी कैपिटल सिटी नहीं होती, तो उसकी ट्रांसफर की बात पे कैपिटल गेन नहीं आता, क्लियर है। लेकिन यहाँ चाहे आप रूरल लो चाहे आप अर्बन लो, क्योंकि ये तो आप परचेज कर रहे हो ना, परचेज पे तो आपको कैपिटल गेन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, वो कहाँ आती है, सेल पे कैपिटल गेन अराइज होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर चाहे वो आपकी कैपिटल एसेट बने चाहे ना बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए। समझ आया स्टूडेंट, एग्रीकल्चरल लैंड के बदले एग्रीकल्चरल लैंड ली, बट ट्रांसफर कौन सी करी थी, अर्बन, और एक्वायर कौन सी करोगे, चाहे रूरल चाहे अर्बन, क्लियर है। स्टूडेंट्स इस सेक्शन नंबर को याद करने के लिए मैंने एक वे बना रखा है, अगर आपको सही लगे तो आप भी उसी अकॉर्डिंग उसको याद कर लीजिएगा। देखो क्या वे है, बी से क्या हम लगा सकते हैं, बीच, ठीक है। बीच किसे कहते हैं, आप हिंदी में बीच कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलोगे, सीड्स बोलते हो, और सीड्स कहाँ पे यूज आते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ना, अगर आपको कहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जहां भी हो रही है वहां पे क्या यूज होगा, सीड्स यूज होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बी से हम क्या लगाएंगे, बीज, और बीज यानी सीड्स, और सीड्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, यानी ये सेक्शन किसका है, एग्रीकल्चरल लैंड का है, क्लियर है पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हमारा, स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, हमने बात करी एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करी, एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करो, बट नाउ द पॉइंट कम्स कि उस एग्रीकल्चरल लैंड को आपने कितने टाइम में परचेज करना है, ठीक है। अब ये तो नहीं है ना कि आपने 2019 में अपनी एग्रीकल्चरल लैंड सेल करी और आप दूसरी लैंड को कब परचेज करोगे, 2029 में, ऐसा नहीं होता ना, आपके पास एक टाइम लिमिट होता है कि आपको विद इन दैट टाइम लिमिट परचेज करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट है हमारे पास, विद इन टू ईयर्स, विद इन हाउ मेनी ईयर्स, विद इन टू ईयर्स, विद इन टू ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, क्लियर है स्टूडेंट। जिस भी डेट को आपने ट्रांसफर करी थी अपनी ओल्ड असेट को, उससे दो साल में आपको क्या करना है, न्यू असेट एक्वायर करनी है, यानी न्यू एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर करनी है, क्लियर है पॉइंट। अब देखो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बात कर ली विद इन टू इयर्स, ठीक है। अब ये हो सकता है ना कि आपने असेट सेल करी है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने जो असेट सेल करी थी वो सेल करी ओल्ड असेट 31st अगस्त 2018, तो इसका मतलब आपने असेट कब सेल करी, 31st अगस्त 2018, ये प्रीवियस ईयर कौन सा बनेगा, प्रीवियस ईयर बनेगा 2018-19,
ठीक है, इसका मतलब इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 2019-20, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स हम सबको बताना कि हमें हमारी इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है। अब टू मैं सिंपल केस ले रही हूँ, इंडिविजुअल का जिसका कोई टैक्स ऑडिट नहीं है, सिंपल नॉर्मल केस ले रही हूँ, ठीक है। तो हमें उस केस में कब तक फाइल करनी होती है, 31 जुलाई 2019 तक, यानी अप टू 31 जुलाई ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस केस में देखो अब क्या हुआ, आपने क्या किया, 31 अगस्त को अपनी एक असेट को सेल कर दिया। आपको पता था कि 2 साल के अंदर अंदर आपने न्यू असेट एक्वायर करनी है, बट आपने अप टू 31 जुलाई उसको एक्वायर नहीं करी, क्योंकि अभी तो हमारे पास 2 साल थे ना, हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर को ये बात कैसे पता चलेगी, फिर से वही बात जो हमने सेक्शन 54 में की थी, वो माइंड में जाके तो नहीं देखेगा ना कि हाँ ठीक है अभी इसके पास 2 साल का टाइम है तो इसने ना शायद उस दिन एक्वायर कर, नहीं उसको क्या चाहिए, उसको हर बात का प्रूफ चाहिए कि हाँ आप एक्वायर करने ही वाले हो, ऐसा नहीं है कि आप उसका कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगा, वो अपने कैपिटल गेन को एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करेगा। क्या करेगा, वो कैपिटल गेन को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करेगा। और डिपॉजिट कब तक करेगा, हमने क्या बात की थी अभी, यहाँ पे हमने बात की थी ना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है, उसको असेसिंग ऑफिसर को बताना है, तो वो इसको डिपॉजिट करेगा अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। हमारे केस में क्या थी ड्यू डेट, 31 जुलाई, और एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। देखो स्टूडेंट्स होता है ना कि हमारी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, बट मे बी हम क्या करते हैं, हम उससे पहले ही अपनी रिटर्न को फाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस डेट को हमने रिटर्न फाइल करी दैट इज एक्चुअल डेट, और जिस डेट को होनी चाहिए थी तब तक तो होनी चाहिए थी एज पर इनकम टैक्स, तो वो होती है हमारी ड्यू डेट, जिस दिन हमारी डेट ड्यू हो गई टू फाइल द रिटर्न, ठीक है। सो व्हिच एवर इज अर्लियर, तब तक उसे क्या करना है, कैपिटल गेन को डिपॉजिट करना है इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और जिस जब वो उसको डिपॉजिट कर रहा है तो उसको क्या करेगा, वो उसके प्रूफ को अटैच करेगा अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, क्लियर है। इसके प्रूफ को, इस डिपॉजिट के प्रूफ को अटैच कर देगा विद हिज रिटर्न ऑफ इनकम, विद हिज इनकम टैक्स रिटर्न, क्लियर है स्टूडेंट्स पॉइंट आपको। अब ये देखो स्टूडेंट्स कहाँ पे जितना मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक पॉइंट में कंफ्यूजन होती है, मैंने यहाँ लिखा है अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और अप टू एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर, उन्हें क्या लगता है, मैं ऊपर वाला रब कर दूं, उन्हें ये लगता है कि मैम एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग या ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इसमें से हमेशा जो एक्चुअल डेट है ना वो तो पहले ही होगी, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। कई बार क्या होता है, हमारी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस, ड्यू टू एनी रीजन, हमारा जो असेसी है वो बाद में रिटर्न को फाइल करता है विद पेनल्टी विद इंटरेस्ट, वो कर देगा, ठीक है। तो उस डेट में क्या होगा, आपको विच एवर इज अर्लियर लेना था ना, तो ड्यू डेट तक ही आपको अपनी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उसको डिपॉजिट करना था कैपिटल गेन को, क्लियर है। चलो स्टूडेंट्स ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले सेक्शन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने क्या बात करी, एग्रीकल्चरल लैंड, इसके बदले क्या लिया, एग्रीकल्चरल लैंड। अब देखो स्टूडेंट्स बात आती है कि इस एग्रीकल्चरल लैंड की कॉस्ट क्या होगी, यानी कॉस्ट ऑफ न्यू असेट क्या होगी। अब देखो लेट टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास कैपिटल गेन कितना आ रहा था इसको सेल करने के बाद, जब हमने इसको ट्रांसफर की ना तो हमारे पास कैपिटल गेन आया 3 लाख रुपीज, ठीक है। इस 3 लाख को हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया। अब हमने क्या किया, जब हमने एग्रीकल्चरल लैंड को परचेज किया तो इस 3 लाख को निकाला और यहाँ पे 3 लाख पे किए इससे, ठीक है। प्लस वो क्या कहने लगा कि अच्छा मुझे 14 लाख रुपीज अपने पास से भी लगाने पड़ेंगे एसएससी ने कहा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने 14 लाख
अपने पास से लगाए, ओन यूटिलाइजेशन किया. स्टूडेंट्स इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मत देखो, अपने आप बताओ इस कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए. 3 लाख आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से दिया, 14 लाख आप अपने पास से लगाया, तो क्या सेट कॉस्ट कितनी आएगी? 14 लाख प्लस 3 लाख 17 लाख. ये तो बहुत इजी सी चीज है ना, इसको आप इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है. कॉस्ट ऑफ न्यू सेट क्या आएगी? जितना भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से यूटिलाइज किया प्लस जितनी ओन यूटिलाइजेशन है उसका एग्रीगेट. क्लियर सी बात है, ठीक है. चलो ये आगे अच्छे से समझ आपको, इसे रब कर दूं स्टूडेंट्स. देखो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या होता है. हमने बात करी ना कि हमें क्या होगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के, हमने कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकाल ली. अब देखो स्टूडेंट्स बात आती है कि हमें एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, दैट इज क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन कितना है. क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन, ठीक है. अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ना दो केस हो सकते हैं इसमें, कि जो हमारी न्यू एसेट है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट is more than or it is equal to our capital gain, ठीक है. या second point क्या हो सकता है, that cost of new asset is less than capital gain, ठीक है. इसमें देखो students क्या हुआ था, capital gain कितना था हमारे पास, capital gain था ना हमारे पास 3 लाख रुपीज, और जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आई, द सेकंड एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ, ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी आई, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आई 5 लाख रुपीज. तो आपने क्या किया होगा, 3 लाख रुपीज यहाँ से ट्रांसफर किए होंगे, 2 लाख अपने पास से लगाए होंगे, तो 5 लाख की कॉस्ट बनी होगी. तो इस केस में आपको एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, आपको एग्जाम्पशन मिलेगी आपने कितना कैपिटल गेन यूटिलाइज किया, 3 लाख. तो कितने कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन लोगे, 3 लाख की. समझ आया? इट मींस अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, इफ आवर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज मोर देन और इट इज इक्वल टू आवर कैपिटल गेन, तो हमें एग्जाम्पशन कितनी की मिलेगी, फुल कैपिटल गेन अमाउंट की. क्लियर है? कैसे देखो, अब इसको फिर से कॉमन सेंस से देखो, जितना कैपिटल गेन यूटिलाइज किया उतने कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन क्लेम कर लो. समझ आया? इस केस में क्या होगा, हमारा कैपिटल गेन था 3 लाख रुपीज. Let's assume, जो हमने नई एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करी वो कितने की है, वो 2 लाख की है. तो आपने क्या किया होगा, इस 3 लाख में से 2 लाख को ट्रांसफर, यानी 2 लाख यूटिलाइज किया, ठीक है. इट मीन्स अब आपने कितना कैपिटल गेन यूटिलाइज किया है, 2 लाख. तो एग्जाम्पशन कितनी लोगे, 2 लाख की. फिर से वही पॉइंट, जितना कैपिटल गेन यूटिलाइज किया उतने ही कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन क्लेम करो, ठीक है. इट मींस अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज लेस देन कैपिटल गेन, तो हमें कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, जितनी भी हमारी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, ठीक है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट. और ये कैसे हुई, जितना कैपिटल गेन यूटिलाइज कर रहे हो उतनी तो एग्जाम्पशन क्लेम करोगे ना. समझ आ गया स्टूडेंट अच्छे से? चलो अब देखो स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारे पास आता है. हमने यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं कि हमने एक एग्रीकल्चरल लैंड के बदले एक एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करी, लेकिन अब क्या करोगे, इस एग्रीकल्चरल लैंड को भी तो आपको मिनिमम कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा ना, जिस टाइम में आप उसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है. अब एग्जाम्पशन ले रहे हो तो कुछ तो करोगे ना, ऐसे ही तो नहीं ले जाओगे. तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको इस न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को मिनिमम 3 इयर्स तक होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है. आपको इस न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को मिनिमम 3 इयर्स तक होल्ड करके रखना, सॉरी स्टूडेंट, मिनिमम 3 इयर्स तक होल्ड करके रखना पड़ेगा. अदरवाइज क्या होगा, जो आपने एग्जाम्पशन क्लेम की थी ना वो विड्रॉ हो जाएगी. अब वो किस वे में विड्रॉ होगी वो भी मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है. तो होल्डिंग पीरियड कितना आया इसका, मिनिमम 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ न्यू एसेट. क्लियर है? मिनिमम 3 इयर्स.
ये क्लियर आ गया स्टूडेंट्स? अब देखो, अब बात आती है कि अगर हम नहीं करते, हम 3 इयर्स से पहले उसको ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा? अगर हमने 3 इयर्स से पहले ट्रांसफर की ना स्टूडेंट्स, तो आपकी जो हमने एग्जाम्पशन ली थी कैपिटल गेन की, वो विड्रॉ हो जाएगी। बट वो किस वे में विड्रॉ आएगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स थी, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट वो क्या थी, वो थी आर ओन यूटिलाइज्ड अमाउंट। ठीक है, जितना हमने खुद से यूटिलाइज किया था, ओन यूटिलाइज्ड अमाउंट प्लस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जितना डिपॉजिट किया था, यानी जितना कैपिटल गेन यूटिलाइज किया, यही था ना स्टूडेंट्स? अगर अब मानो इस कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन को विड्रॉ कर लेते हैं, क्या होगा, ये यहां से कट हो जाएगा। इट मींस आपकी जो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी जस्ट दिस ओन यूटिलाइज्ड अमाउंट। समझ आया? कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ये कैपिटल गेन वाला अमाउंट कट हो जाएगा और हमारी कॉस्ट ऑफ न्यू असेट कितनी रह जाएगी, जस्ट दिस ओन यूटिलाइज्ड अमाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? चल अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मैं इसको यहीं पे लिख के रखती हूं। देखो स्टूडेंट्स क्या है इसमें, क्या कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, मान लो कि हमने जो यहाँ पे यूटिलाइज किया था अमाउंट, वो किया 14 लाख रुपीज। ठीक है, और हमारा कैपिटल गेन कितना था, 3 लाख। तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ न्यू असेट कितनी आई होगी, 17 लाख। लेकिन अगर हम आने, अब हमने क्या किया, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को हमने 3 इयर्स से पहले ही ट्रांसफर कर दिया ना, तो ये 3 लाख हट जाएगा और हमारी कॉस्ट ऑफ न्यू असेट कितनी आ जाएगी, ओनली रुपीज 14 लाख। समझ आया? सिर्फ कई बार ना क्वेरी ये आती है मेरे पास कि मैम अगर यहाँ पे कॉस्ट कम हो भी गई न्यू असेट की, तो असेसी को क्या फर्क पड़ेगा? वो कहते हैं असेसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द पॉइंट इज असेसी को फर्क पड़ेगा, उसका लॉक होगा। कैसे होगा देखो, देखो स्टूडेंट्स अपना दो पॉइंट लो। एक तो क्या था कि उसने आफ्टर 3 इयर्स अपनी न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर किया, और एक पॉइंट है कि उसने बिफोर 3 इयर्स अपनी न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर किया। ठीक है, मान लो आफ्टर 3 इयर्स उसने कितने में किया, मान लो उसने 56 मंथ्स के बाद किया। ठीक है, और बिफोर 3 इयर्स में उसने क्या किया, उसने विदिन 9 मंथ्स ही उसको ट्रांसफर किया। अब उसकी सेल कंसिडरेशन कितनी थी, उसने जो अपनी न्यू असेट सेल करी, उसने करी है 19 लाख में। ठीक है, सो इट्स मैं एक सिंपल केस ले रही हूँ, उसमें मैं कोई इंडेक्सेशन नहीं कर रही अभी, एक नॉर्मल केस ले रही हूँ। ठीक है, इट मीन्स ये विदाउट इंडेक्सेशन ले रही हूँ मैं भी। ठीक है, अब अगर उसने क्या किया, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, अगर उसने आफ्टर 3 इयर्स किया है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्लीट 17 लाख थी हमारे एग्जाम्पल में, 14 लाख ओन यूटिलाइज अमाउंट प्लस 3 लाख जो कैपिटल गेन था उसका, जो उसने यूटिलाइज किया। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा बताओ स्टूडेंट्स, को कितना एलटीसीजी लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका कितना राइज हो जाएगा, 2 लाख रुपीज। और इस केस में जहां उसने 9 मंथ्स में ही अपनी न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर कर दिया था, वहां उसका सेल कंसिडरेशन तो सेम है 19 लाख, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बन गई थी, 14 लाख रुपीज, क्योंकि जो 3 लाख रुपीज एग्जाम्प्टेड कैपिटल गेन था वो तो अब उसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसको नहीं लेंगे, वो रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट में से। तो यहाँ पर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा, क्या लगेगा उसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना, और कितना लगेगा, 5 लाख रुपीज। यहाँ पर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा था ओनली रुपीज 2 लाख, और यहाँ उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 5 लाख। तो उसको कहाँ टैक्स अकॉर्डिंगली कहाँ ज्यादा पे करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा पे करना पड़ेगा ना, यहाँ उसका कैपिटल गेन ज्यादा हो गया। तो इस इंटरेस्टिंग वे में जो उसकी एग्जाम्पशन अर्ली उसने ली थी ना, अर्लियर ली थी, वो विड्रॉ हो जाती है। समझ आया स्टूडेंट? स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सेक्शन 54 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको मैं समराइज कर देती हूँ। हमने सेक्शन 54 बी में क्या किया, हमारे पास एक
एग्रीकल्चरल लैंड थी, और वो एग्रीकल्चरल लैंड कैसे थी, वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड थी। उसके ऊपर हमें, हमने उस लैंड को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर करने पे हमें क्या अराइज हुआ, हमें कैपिटल गेन अराइज हुआ। अब हमें क्या करना है, हम इस कैपिटल गेन पे अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एग्जम्पशन क्लेम करेंगे, एग्जम्पशन अवेल। और कैसे करेंगे, हम एक न्यू एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करेंगे, और वो न्यू एग्रीकल्चरल लैंड कैसी होगी, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, ठीक है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। आर मीन्स रूरल, यू मीन्स अर्बन, ठीक है। और अब हमें ये कितने टाइम में एक्वायर करनी है, कितने टाइम में एक्वायर करनी है, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस कैपिटल गेन को, अगर हम हमारी अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और अप टू एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग हम इस एसेट को एक्वायर नहीं कर रहे, तो इस कैपिटल गेन को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करवाना है, और उसके प्रूफ को अटैच करना है हमारी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। और कब तक डिपॉजिट करवाना है, अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और अप टू एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, विच एवर इज अर्लियर। स्टूडेंट्स, मैं इसको जल्दी जल्दी से आपको इसलिए सम अप कर रही हूँ जिससे अच्छे से एक बार आपके माइंड में बैठ जाए। इन डिटेल तो हम कर ही चुके हैं इस लेक्चर में, ठीक है, इसीलिए अब सिर्फ समराइज कर रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इस न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को कितने पीरियड के लिए होल्ड करना है, मिनिमम 3 ईयर्स के लिए। अगर आप उससे पहले अपनी इस लैंड को ट्रांसफर कर दोगे तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कम हो जाएगी। समझ आया, तो अच्छे से सेक्शन 54B समझ आ गया फ्रेंड। अगर इस सेक्शन में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। आप अपने डाउट्स कैसे क्लियर कर सकते हो, मैं आपको मोड बता रही हूँ। या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, वहां भी आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।